हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है 24R फॉर्मेट सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये 24R फॉर्मेट सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर सिलेक्ट करना है। आप सिस्टम के इस पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम पे सेलेक्ट करना है। अब डेट एंड टाइम के इस पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा 24R फॉर्मेट, ठीक है। इस ऑप्शन के सामने वाले बटन को टैप करना है। तो ये बटन अगर आपका ऑन नहीं होगा ना, तो आपको करना क्या है, ऊपर की साइड आपको ये ऑप्शन दे रखा है यूज लोकल डिफॉल्ट, इसके सामने वाले बटन को टैप करना है। तो ये बटन आपका ऑफ हो जाएगा, तो नीचे वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा 24R फॉर्मेट, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने वाले बटन को आपको टैप करके इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए हमारे मोबाइल फोन की घड़ी में ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, 10:26, ठीक है। वैसे ही टाइम जो है ना मेरा रात का समय का हो रहा है, ये 10:26, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो है ना इस सेटिंग को ऑन करते हैं। तो ये देखिए सेटिंग ऑन हो चुकी है, ब्लू कलर में बटन ऑन हो चुका है ना। अब देखिए सेटिंग कैसे काम करेगी। यहाँ पर ये हमारे मोबाइल फोन की घड़ी में पहले जो 10:26 हो रहा था, अब वो 22:26 हो रहा है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा जो एक दिन का जो समय होता है ना, पूरे दिन और रात का एक दिन का टोटल मिला के, वो 24 घंटे का होता है, ठीक है। तो हमारे मोबाइल फोन का जो टाइम होता है वो 24 घंटे के फॉर्मेट में सेट हो जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपको रात के 12 बजे के बाद से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके टाइम दिखाई देगा। और आपका जैसे ही दोपहर का 12 बजेगा ना, तो दोपहर के 12 बजे के बाद आपको 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके टाइम दिखाई देगा, ठीक है। फिर वो वापस रात के 12 बजे आके 24 बज जाएगा, ठीक है। तो अभी 10:27 हो रहा है ना, तो यहाँ पर मेरा जब रात में 24 बज जाएगा, तो 24 के बाद फिर आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टाइम दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल फोन का जो टाइम है ना, 24 घंटे के फॉर्मेट में हमारा सेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको दोपहर के 12 बजे के बाद से आपको 13 14 15 16 17 ऐसे करके टाइम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग ऐसे काम करती है आपके फोन में।